Hey everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, आज हम बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर एक चैप्टर ऐसा लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स. यस गाइज, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, सर इशू ऑफ शेयर की वीडियो डालिए, इशू ऑफ शेयर गाइज. और मैंने इस चैप्टर के अंदर आप लोगों के लिए ऐसा कॉन्टेंट प्रिपेयर किया है जो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा. और उसके अंदर केवल वही चीजें डाली है, इस वीडियो के अंदर हम वही चीजें आपको करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक जरूर देखना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करना है ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए. तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. देखिए गाइज, सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या आ रही है, दैट इज मीनिंग ऑफ कंपनी. कंपनी का मतलब क्या होता है, ये बताया गया एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में. कंपनी क्या होती है, जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस लो, जैसे पहले 1956 था, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें रजिस्टर हुई हो. तो गाइज, कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर हुई है इस एक्ट के अंदर या पिछले जो लॉ थे उसके अंदर, तो वो कंपनी कहलाती है. गाइज, बहुत आपको ध्यान से बातों को सुनना है. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही है. अब सबसे पहला आ रहा है करेक्टरिस्टिक्स. कंपनीज की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, पहली बात इनकॉर्पोरेशन. जो इनकॉर्पोरेशन होती है कंपनी की, वो कैसे होती है, लॉ से होती है. जैसे पार्टनरशिप में एग्रीमेंट के बेसिस पर होती थी, लेकिन कंपनी में जो इनकॉर्पोरेशन होती है वो लॉ के अकॉर्डिंग होती है, दैट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. इसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, कंपनी और जो उसके मेंबर्स है वो दोनों अलग अलग है. कंपनी अपने नाम पर कुछ भी खरीद सकती है, बेच सकती है, कोई कंपनी को स्यू कर सकता है, कंपनी किसी को स्यू कर सकती है. इसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, वो अपने नाम पर कुछ भी कर सकती है. गाइस क्लियर है. इसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन. इसका मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबर में कम मेंबर में गो. कंपनी में मेंबर आए जाए कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहेगी. इसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के मेंबर है, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, लिस्टेड कंपनी के केस में कंपनी के मेंबर्स अपने शेयर को इजिली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, दूसरा खरीद सकता है. लेकिन अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी के बारे में, तो उसमें अगर आपको अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना है तो एज पर AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें कि जो हमारी लिस्टेड कंपनीज होती है उसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. गाइस क्लियर है. इसके बाद मैनेजमेंट एंड ओनरशिप. जो कंपनी है उसमें जो मैनेजमेंट होते हैं और जो ओनर, दोनों अलग अलग होते हैं. ओनर कौन होते हैं, जो शेयर में पैसा लगाते हैं. अब वो स्कैटर्ड है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. तो वो क्या करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं किसको, मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो कंपनी को चलाते हैं. तो मैनेजमेंट और जो ओनरशिप है दोनों क्या है गाइस, अलग अलग. इसके बाद कंपनी की कॉमन सील हो सकती है. कॉमन सील का मतलब क्या होता है, सिग्नेचर, कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर कॉमन सील लग गई, इसका मतलब कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है, वैलिड किया है, एक्सेप्ट किया है. गाइस क्लियर है. तो ये सब उसकी हुई करेक्टरिस्टिक्स. अब बात आती है टाइप्स ऑफ कंपनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहला आ रहा है वन पर्सन कंपनी. वन पर्सन कंपनी क्या होती है, जिसमें केवल एक ही पर्सन क्या होता है, मेंबर होता है, और उसका जो नॉमिनी है वो भी एक ही पर्सन हो सकता है, और एक पर्सन केवल एक ही ओपीसी बना सकता है. माइंड माय वर्ड, एक पर्सन केवल एक ही ओपीसी बना सकता है, और एक पर्सन केवल एक ही कंपनी का, एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वन पर्सन कंपनी means our company which has only one person as a member. अब देखो rule 3 क्या कह रहा है, companies incorporation rule 2014 related to one person company क्या कहता है. देखिए one person company में जो person होगा वो कौन होना चाहिए, पहली बात Indian citizen होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा resident of India. Indian citizen क्या है, कि वो इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसके मम्मी पापा पैदा हुए, या उसके बुजुर्ग इंडिया में पैदा हुए हो, that is called Indian citizen. और रेजिडेंट ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है गाइस, जो इंडिया के अंदर लास्ट ईयर मिनिमम 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे किया है,
तो उसे रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है गाइस। तो वो पर्सन पहली बात क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, दूसरा रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और वो क्या हो सकता है, कैन फॉर्म वन पर्सन कंपनी और कैन बी दी नॉमिनी ऑफ फॉर वन पर्सन कंपनी। वो पर्सन एक वन पर्सन कंपनी खोल सकता है, या वो एक कंपनी का, वन पर्सन कंपनी का क्या बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है। इसके बाद देखिए जो मैंने अभी बताई है, वेरी इंपॉर्टेंट, वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति एक ही ओपीसी खोल सकता है, या एक व्यक्ति केवल एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है, दो का नहीं बन सकता गाइज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिकम नॉमिनी ऑफ ओनली वन सच कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैरिटेबल, जो हम वन पर्सन कंपनी खोलते हैं ये चैरिटेबल पर्पस के लिए होती नहीं है, और इसकी जो पेडअप कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसकी जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है लास्ट 3 ईयर्स की गाइस, वो 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए गाइस, क्लियर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, कि इसके अंदर जो मिनिमम डायरेक्टर है 1 और मैक्सिमम जो है वो 15 हो सकते हैं। आई होप आपको ओपीसी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसके, क्या बताता है प्राइवेट कंपनी के बारे में, क्या बोला जाता है प्राइवेट कंपनी के बारे में, बोला जाता है कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर पब्लिक में इशू नहीं कर सकता। अब प्राइवेट कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें से आपसे पूछी जा सकती है, कि प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिकली अपने शेयर इशू कर सकती है, नहीं गाइस, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 200, मिनिमम 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200। तो देखिए गाइस, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो बताया गया होगा उसके अकॉर्डिंग, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर इट शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपने शेयर को क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, जैसा AOM में बोला होगा वैसा उनको करना पड़ेगा। लिमिट इट्स मेंबर टू 200, उनके मेंबर्स जो होते हैं मैक्सिमम 200 होते हैं, एक्सक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय, मान लीजिए पास जो छोड़कर जा चुका है या अभी कोई काम कर रहा है उसके पास अगर शेयर है तो उसको एम्प्लॉय में काउंट नहीं किया जाएगा, उससे अलग गाइस, क्लियर है, उसकी संख्या है मैक्सिमम 200। उसके बाद प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी से शेयर इशू करके पैसा रेज नहीं कर सकती, डिबेंचर इशू करके पैसा रेज नहीं कर सकती। एक कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 15, और कंपनी के पीछे जो लगता है वर्ड यूज होता है प्राइवेट लिमिटेड। और गाइज मैं यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, जो ओपीसी है वो भी प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन ओपीसी के पीछे यूज होता है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, और यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के पीछे यूज होता है प्राइवेट लिमिटेड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास पब्लिक कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक कंपनी क्या है, जो प्राइवेट नहीं है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट होती ही नहीं है, और मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं 3 और मैक्सिमम हो सकते हैं 15, और इसके पीछे वर्ड यूज होता है लिमिटेड, केवल लिमिटेड वर्ड यूज होता है पब्लिक कंपनी के पीछे। और गाइस पब्लिक कंपनी पब्लिक में अपने शेयर डिबेंचर्स इश्यू करके पैसा क्या कर सकती है, रेज कर सकती है। तो ये तीनों कंपनी गाइस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आना चाहिए, मैंने एक एक बात इसकी आपको बता दी है। इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी वो कैसी हो सकती है, वो लिमिटेड भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी हो सकती है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सुनना गाइस बहुत ध्यान से, आपको मेरी वर्डिंग को सुना आपको क्लियर हो जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ये वो कंपनी होती है जिसमें उसके जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड, जो उन्होंने पे नहीं किया केवल उतना ही पे करना है, उससे ज्यादा पे नहीं करना है। मान लीजिए आपने एक कंपनी के शेयर लिए, आपने 10 रुपए का एक शेयर लिया, आपने उसके 7 रुपए पे कर दिए, आप केवल लाइबल जो होंगे जो अनपेड अमाउंट है 3 रुपए जो आपने पे नहीं किया केवल उतने तक लाइबल होंगे, उससे ज्यादा आपसे पैसा मंगवाया नहीं जाएगा, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। उसके बाद है अनलिमिटेड कंपनी, इस केस में अनलिमिटेड कंपनी में क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। गाइस इंडिया में कंपनीज एक्ट परमिट तो करता है इसको, लेकिन इंडिया में ऐसी कंपनी पाई नहीं जाती है। इसके बाद है लिमिटेड बाय गारंटी, ये कौन सी कंपनी है गाइस, लिमिटेड बाय गारंटी है जिसमें जो कंपनी के मेंबर्स है वो गारंटी करते हैं कि जब कंपनी बंद होगी, माइंड माय वर्ड, ये कब गारंटी कर रहे हैं, जब कंपनी बंद होगी उस समय हम ये कंपनी को गारंटीड अमाउंट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, केवल कब दिया जाएगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो इसे बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन
एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और एज पर सेबी क्या है। देखो सेक्शन कंपनीज एक्ट की बात करूं, कंपनीज एक्ट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या बोला जाता है, जो आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, जो पैसा आपको रेज करना है, जो प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि मिनिमम आपको इतना पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट द कंपनी स्टेट्स इन प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस में लिखती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है गाइस। उसके बाद एज पर सेबी क्या कहता है कि जितना आपने इशू किया उसका 90% आपके पास आना चाहिए, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। एज पर सेबी अ कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द शेयर इशूड, जो आपने शेयर इशू किया उसका मिनिमम 90% आपके पास आना चाहिए, ये सेबी बताता है। और उसके बाद इफ, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या नहीं किया, आपके पास मान लीजिए आपने शेयर इशू किए, आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, ठीक है 90% मिनिमम नहीं आया, तो आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा विद इन 15 days, जब से आपका इशू क्लोज हुआ है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर द डिलेड पीरियड। आपको उसके लिए इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें, क्योंकि जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को बनाने से पहले के खर्चे होते हैं। लाइक हमने क्या बनाया, एमओए बनाया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एओए बनाया, उसको हमने साइन करवाया, उसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट आ रही है, जो भी कंपनी को बनाने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, लाइक रजिस्ट्रेशन फी, लीगल फी। तो गाइज इनको क्या किया जाता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उसी साल मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको राइट ऑफ करवाया जाता है सेम ईयर में, ठीक है, उसी साल राइट ऑफ करवाया जाएगा, पहला सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है, दूसरा कैपिटल रिजर्व से, अगर वो नहीं है तो लास्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, यही ऑर्डर में उसको क्या करवाया जाएगा, राइट ऑफ करवाया जाएगा इन द इनिशियल ईयर, उसी साल उनको राइट ऑफ करवाया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं गाइस, इसके बाद शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कंपनी की शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होती है, जो हमें पैसा मिलता है किससे, इक्विटी शेयर से और प्रेफरेंस शेयर से, जो भी इक्विटी शेयर से पैसा आएगा, प्रेफरेंस शेयर से आएगा, वो कंपनी की शेयर कैपिटल बनती है गाइस, क्लियर है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब कैपिटल को गाइस माइंड बाय वर्ड कैपिटल है हमारी, मान लो हमारी कैपिटल है 1 लाख, हमने जब उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमने 10,000 पार्ट बना दिया, एक पार्ट 10 रुपए का है, ठीक है, 10,000 पार्ट बना दिया, हमारी ₹1 लाख शेयर कैपिटल है, ठीक है, ₹1 लाख, हमने उसको छोटे छोटे 10-10 रुपए के पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो 10,000 पार्ट्स बन गए, वो जो पार्ट्स है दैट इज कॉल्ड शेयर, उन्हें शेयर बोला जाता है, जब कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है दैट इज कॉल्ड शेयर। शेयर इज द यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड गाइस, क्लियर है। इसके बाद ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू होती है, और जो होल्डर होते हैं इन शेयर्स के उन्हें बोला जाता है शेयर होल्डर या मेंबर ऑफ द कंपनी गाइस, क्लियर है। इसके बाद अब बात आती है टाइप्स और क्लास ऑफ शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से सुनना है। पहला आ रहा है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा आ रहा है इक्विटी शेयर। सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कौन होते हैं, जिनको दो राइट्स होते हैं, पहला उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो एक फिक्स रेट से मिलेगा, फिक्स रेट होता है उनका, और उनको इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड मिलेगा। दूसरा, जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, बंद होगी, तो उनको पहले पैसा दिया जाएगा, किससे, इक्विटी वालों से उनकी पेमेंट पहले की जाएगी, तो ये उनको क्या होते हैं, अधिकार। गाइस ये सब नोट्स मैं अपनी ऐप के ऊपर डाल दूंगा, ये आपको आज ही अपडेट हो जाएंगी, आप चेक कर सकते हो, मैंने सारे चैप्टर जितने भी मैंने करवाए उनकी जो PDF है, उनके नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स मैंने उसमें डाल दिए, ऐप में डाल दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाइए देखिए एंजॉय कीजिए, इवन इको के भी आपको अवेलेबल होंगे, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में। चलिए गाइज आगे चलते हैं। इसके बाद क्या बोला गया, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इसमें से पूछा जाता है कई बार। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये कौन से होते हैं, ये वो प्रेफरेंस शेयर है, अगर इनको किसी साल मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं देगी, तो अगले सालों में जब होगा उनको पिछले सालों का एरियर जो नहीं मिला था, अगर इनको दिया जाएगा जिस साल क्या होंगे प्रॉफिट, पिछले सालों का एरियर अगर मिलता है तो उन्हें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं गाइस, क्लियर है। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं, जिन्हें पिछले सालों का एरियर नहीं मिलेगा, केवल जिस साल प्रॉफिट हो रहा है उस साल का डिविडेंड मिल गया, पिछले सालों का कोई एरियर नहीं मिला तो उसे बोला जाता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर,
ये कौन से प्रेफरेंस शेयर होते हैं? ये वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये बेसिकली जब AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी जब कहता है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसमें? इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के बाद अगर प्रॉफिट बच जाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड दे दिया, इक्विटी को भी दे दिया, फिर भी कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट बच गया, तो उसमें अगर ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो उन्हें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। ऑलराइट गाइस, इसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये बचे हुए प्रॉफिट्स में क्या नहीं कर पाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये कौन से होते हैं जिनको हम इक्विटी शेयर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नॉन कन्वर्टेबल, जिसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पे ऑफ किया जाएगा, जैसे मैक्सिमम लाइफ 20 इयर्स होती है, तो इनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पे ऑफ किया जाएगा, उन्हें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, माइंड माय वर्ड, जिनको केवल कब पे किया जाएगा, जब कंपनी बंद होगी, और कंपनीज एक्ट इसको परमिट नहीं करता है, क्योंकि एक प्रेफरेंस शेयर की जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम 20 इयर्स होती है, उससे ज्यादा की नहीं हो सकती। गाइस क्लियर है? तो ये आपको टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको समझ आए होंगे, ये हमने प्रेफरेंस शेयर पढ़ा। अब आ रहा है इक्विटी शेयर। देखिए इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिनको, गाइस सबसे पहली बार जिनको पे ऑफ किया जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद, इनको डिविडेंड मिलेगा। दूसरा, इनको अगर कंपनी बंद होती है तो किसके बाद, प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल देने के बाद पे ऑफ किया जाएगा। इनके पास सबसे बड़ा क्या अधिकार होता है, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। क्या होते हैं गाइस? वोटिंग राइट, ठीक है गाइस। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब हमने शेयर कैपिटल को डिवाइड किया तीन पार्ट्स में। देखिए एज पर पार्ट वन ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पहला है ऑथराइज, दूसरा है इशूड, तीसरा है सब्सक्राइब कैपिटल। बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट ऑथराइज कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल होती है जो कंपनी थ्रू आउट द लाइफ टाइम पैसा रेस कर सकती है। मान लीजिए क्या किया, लेट्स सपोज एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, आपने कंपनी बनाई, आप 10 करोड़ रुपए मैक्सिमम ले सकते हो थ्रू आउट द लाइफ टाइम, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। आपने क्या किया, 10 लाख शेयर, 100 का एक 10 करोड़ के हो गए, ये आप पूरी लाइफ में 10 लाख शेयर इश्यू कर सकते हो और उनसे पैसा रेस कर सकते हो, दैट इज योर ऑथराइज कैपिटल। जो कंपनी थ्रू आउट द लाइफ टाइम पैसा रेस कर सकती है उसे हम ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। इसके बाद आता है इश्यूड कैपिटल। उस ऑथराइज कैपिटल में जितना आपने लोगों को इनवाइट किया, मान लीजिए उसमें से 10 लाख में से आपने 8 लाख शेयर इशू कर दिए, लोगों को इनवाइट कर दिया 8 लाख शेयर के लिए, तो वो आपकी इशूड बन जाती है। लोग अभी 8 लाख के लिए एप्लीकेशन भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, दैट डिफरेंट मैटर। आप कितना इनवाइट कर रहे हो वो इशूड में आता है। मान लो आपने 9 लाख के लिए कर दिया, आपने 6 लाख के लिए कर दिया, आ रही है एप्लीकेशन 5 लाख के लिए। गाइस 5 लाख नहीं, आपने लोगों को इनवाइट कितने के लिए किया, आपने अगर 6 लाख के लिए किया है तो 6 लाख इंटू में 106 करोड़ आपकी क्या कहलाएगी, इशूड कैपिटल कहलाएगी। 10 करोड़ आपकी ऑथराइज कैपिटल हो गई, 6 लाख शेयर आपने इशू किए, 100 का एक 6 करोड़ आपकी क्या कहलाएगी, इशूड कैपिटल। अब बात आती है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, जो लोग पैसा देते हैं, यहां पर ये मैटर करते हैं। आपने क्या किया, आपने 10 लाख शेयर इशू, 10 लाख शेयर आपके 100 का एक ये आपकी ऑथराइज हो गई, आपने उसमें से 6 लाख इशू कर दिए, वो आपकी इशूड हो गई। आपके पास जो एप्लीकेशन आई वो 5.5 करोड़ के लिए आई, सॉरी 5.5 करोड़, ठीक है गाइस, मतलब आपके पास जो एप्लीकेशन आई 5,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, ठीक है गाइस, ये आपके पास एप्लीकेशन आ रही है। तो आपके पास जो पैसा आ रहा है, माइंड माय वर्ड गाइस, आप बताइए क्या आपके पास पैसा 6 करोड़ आ रहा है या 5 करोड़ 50 लाख आ रहा है? 5 करोड़ 50 लाख। तो आप इसी के लिए क्या होंगे, लाइबल होंगे। आप किसके लिए, आप इश्यूड के लिए लाइबल नहीं हो, आप ऑथराइज के लिए लाइबल नहीं हो, इसीलिए इसको क्लोज। आपने देखा होगा बैलेंस शीट आप बनाते हो तो उसको डबल लाइन लगा देते हो ऑथराइज कैपिटल के नीचे, इश्यूड कैपिटल, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी क्या होगी, जो पैसा आएगा, पैसा जो आया वो आपका आया कितना, 5 करोड़ 50 लाख। तो सब्सक्राइब कैपिटल बेसिकली क्या होता है, जो लोगों ने इश्यूड में से आपके पास भेजा है पैसा, जो आपकी लाइबिलिटी बनती है, तो ये बेसिकली एक्चुअल लाइबिलिटी होती है। तो ये दो पार्ट्स में आती है गाइस। पहला आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड सब्सक्राइब, बट नॉट फुली पेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड क्या होता है, जब मान लीजिए आपकी कंपनी है, आपने 10 रुपए मंगवाया, आपने कितने इशू किए, 6 करोड़, ठीक है, इशूड में आ गया 6 करोड़ रुपीस, ठीक है, मतलब 6 लाख शेयर इशू किए, 100 का एक 6 करोड़ इशूड में आ गया। लोगों ने आपके पास एप्लीकेशन भेजी
5,50,000 शेयर के लिए, सो का एक मतलब 5,50,00,000 के लिए आपने 10 का 10 मंगवाया, माइंड माय वर्ड 10 का 10 मंगवाया और लोगों ने भी 10 का 10 पे कर दिया, तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड है। मान लो आप 8 मंगवा रहे हो और लोग भी 8 पे कर रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड नहीं है। जब फेस वैल्यू पूरी की पूरी फेस वैल्यू मंगवा ली गई है और लोगों ने भी पे कर दिया है, तब वो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड का पार्ट बनता है। इसके बाद आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, ये दो ऑप्शन है। जैसे मैंने अभी दिया, आपने 10 में से 8 मंगवाया, लोगों ने भी 8 पे कर दिया, तो ये फुली पेड नहीं है, तो ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आएगा। दूसरा, आपने 10 मंगवाया, कई लोगों ने आपको पे किया नो, 1 रुपया अभी भी पे नहीं किया, मंगवा तो आपने 10 लिया, तो ये भी यहां पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। ठीक है, तो दो बातें आती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। पहला, आपने जितना मंगवाया, आपने पूरा नहीं मंगवाया, आपने कम मंगवाया, लोगों ने उतना ही पे कर दिया। दूसरा, आपने पूरा मंगवाया या कम मंगवाया, 8 मंगवाया, 8 में से लोगों ने कितना पे किया, 6, तब भी क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। मान लो 10 रुपए मंगवाया, 10 में से 9 पे किया, मंगवाया आपने 10 है, 9 पे किया, 1 रुपया पे नहीं किया, तो ये भी आपका किसके अंदर आता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के अंदर। गाइज ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद कोल्ड अप शेयर कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कोल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, जो कंपनी पैसा मंगवाती लोगों से, जैसे 10 मंगवाया, दिया उन्होंने 9, वो एक अलग बात है, 10 मंगवाया तो 10 कोल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। पेड अप क्या है, उन्होंने 9 दिया तो 9 पेड अप होगी। कई बार क्या है, मान लीजिए आपने 5 मंगवाया, लोगों ने 7 पे कर दिया, तो पेड अप क्या होगा, 5 या 7, गाइस 5 होगा, 7 नहीं होगा, जो 2 रुपए होंगे जो एक्स्ट्रा है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। ये बात आपको ध्यान रखनी है गाइस, जो एक्स्ट्रा आएगा वो कॉल्स इन एडवांस का पार्ट बनता है, वो पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं बनता है। गाइस अभी मैं कॉल्स इन एडवांस के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या है, जो कंपनी, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी कब मंगवाएगी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, केवल तभी मंगवा रही है, कुछ पैसा रिजर्व कर लिया है कि मैं मंगवाऊंगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। इसके बाद आता है कैपिटल रिजर्व। गाइस ये अलग है, जब आपको जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं जो बार बार नहीं होते, विचार ऑफ कैपिटल नेचर, जो बार बार नहीं होते वो किसके अंदर जाते हैं, कैपिटल रिजर्व के अंदर, और इसको हम डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते, केवल कैपिटल नेचर के लॉसेस के लिए, जो बार बार लॉसेस नहीं होते उनके लिए यूज किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है गाइस, इशू ऑफ शेयर्स। अब देखो, कंपनी शेयर इशू कर सकती है दो तरीके से, या तो कैश की फॉर्म में कर रही है, या वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है। गाइस क्लियर है, देखिए या तो वो क्या कर रही है, प्राइवेटली या पब्लिक में इशू कर रही है, कैश की फॉर्म में, अदर देन कैश, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां पर मैं दो बातें कर रहा हूं, या तो वो प्राइवेटली कर रही है या वो क्या कर रही है, पब्लिक में। पहली बात आ रही है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या होता है कि कंपनी प्राइवेटली क्या कर रही है, किसी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कर रही है, शेयर दे रही है। उसमें कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है, उसमें कंपनी स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है। और गाइस लोगों में क्या नहीं कर रही है, प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों से इनवाइट नहीं कर रही है, एक सिलेक्टेड ग्रुप है, उनका जाना पहचाना ग्रुप है, उनको कह दिया हम शेयर इशू कर रहे हैं आप ले लो, और वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पब्लिक में इशू नहीं किया, प्राइवेटली क्या कर रहे हैं, पैसा रेज कर रहे हैं। तो गाइस इस केस में जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 years होता है, मतलब आप 3 साल तक, जिन्होंने शेयर लिए हैं वो 3 साल तक इन शेयर्स को नहीं बेच सकते, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। उसके बाद आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है गाइस, पब्लिक में जब इशू करते हैं तो यहां पर दो बातें आती है, फॉर कैश, कैश में इशू कर रहे हैं, दूसरा फॉर अदर देन कैश। ठीक है गाइस, इसके बाद जैसे कैश में कर रहे हैं, पार पर, प्रीमियम पर, फॉर अदर देन कैश मतलब हमने कोई एसेट खरीदी उसके अगेंस्ट, अभी ये सब बताने वाला हूं गाइस। इसके बाद आता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर एज सच अदर और सच अदर परसेंटेज एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेबी। कंपनीज एक्ट कहता है कि जो एप्लीकेशन पर पैसा आना चाहिए वो मिनिमम 5% आना चाहिए नॉमिनल वैल्यू का, या जैसा सेबी बोल देगा वैसा। तो सेबी ने बोल दिया कि एप्लीकेशन पर जो पैसा आना चाहिए शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस, वो 25% से, इशू प्राइस का 25% से कम नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस, हम जब शेयर को इशू करते हैं, गाइस माइंड माय वर्ड, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं किस पर, प्रीमियम पर।
ठीक है, तो वो जो प्रीमियम का पैसा होगा, मान लीजिए 10 वाला 12 में किया, 2 रुपए एक्स्ट्रा आया, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा और उसका यूज केवल 5 पर्पस के लिए हो सकता है, जो बताता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। पहला, हम इसको किसके लिए, फुली पेड, गाइस पार्टली पेड नहीं, माइंड माय वर्ड गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फुली पेड बोनस शेयर के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में कर सकते हैं। तीसरा, हमने कोई भी डिस्काउंट दिया है, हमने कोई भी खर्चा किया है, ठीक है, एक्सपेंसेस किया है, हमने कोई भी अंडरराइटिंग कमीशन दिया है, उसके लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। मतलब शेयर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, कमीशन हो रहा है, हम कोई भी डिस्काउंट दे रहे हैं रिलेटेड टू शेयर या डिबेंचर, हम उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए हमें प्रीमियम देना पड़ सकता है, या हम उसके लिए डिबेंचर को रिडीम करने के लिए हम डिबेंचर की रिडेम्पशन पर प्रीमियम देंगे, तो उसके लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। और लास्ट वन, अगर हम अपने ही शेयर ओपन मार्केट से परचेज करते हैं एज पर सेक्शन 68, उसमें भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। गाइस, ये केवल 5 यूजेज हैं जिसमें आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो, और किसी पर्पस के लिए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होगा। अब मैं बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, पहला आ रहा है कोल्जिनेरियर। कोल्जिनेरियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहली बात, कोल्जिनेरियर आपको पता ही है होता क्या है, जब लोगों से पैसा मंगवाया जाए लेकिन लोग ना दे, डिफॉल्ट कर दे, तो उसे कोल्जिनेरियर बोला जाता है। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एओए के अंदर बताया जाता है कि कितना, क्योंकि उन्होंने डिफॉल्ट किया, उनसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट उनसे लिया जाएगा वो एओए के अंदर होगा। अगर मेंशन नहीं है गाइस, अगर मेंशन नहीं है तो क्या बोला जाता है, हम टेबल एफ को, कंपनीज एक्ट 2013 की टेबल एफ को हम फॉलो करते हैं, जिसके अंदर क्या बताया गया है कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो हमारा 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, फॉर द डिफॉल्ट पीरियड, जितना उन्होंने डिले किया उस डिलेड पीरियड के लिए उनसे 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर कंपनी चाहे, उसके डायरेक्टर्स चाहे तो उसको वेव भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, ना इंटरेस्ट लेना चाहे तो ना भी ले, ऐसी एक पॉलिसी बनाई गई है। गाइस क्लियर है, ये तो हुआ कॉल्स इन एरियर के बारे में और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। उसके बाद आता है कॉल्स इन एडवांस। अब कुछ लोग क्या होते हैं, मान लीजिए उनसे पैसा लेना है 10 रुपए, 7 रुपए मंगा ली, वो कहते हैं भैया 3 रुपए और ले लो, हमें बार बार परेशान ना करो। 3 रुपए उसने हमें क्या दे दिया, एडवांस दे दिया। मैंने बताया था 10 में से 7 मंगवाया गया, 10 दे दिया, 7 जो 7 रुपए है, जो 7 रुपए कोल्ड अप है वही पेड अप माना जाएगा। जो 3 रुपए एक्स्ट्रा है, मैंने अभी बताया था 3 रुपए एक्स्ट्रा, वो पेड अप नहीं माना जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। तो उसके बारे में क्या बोला जाता है कि उसके ऊपर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट जो है एज पर एओए जैसा बोला जाएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वैसा। अगर नहीं बोला गया तो टेबल एफ को फॉलो किया जाएगा, जिसमें बताया गया कि जो इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम के अकॉर्डिंग उनको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है गाइस, और इसके बाद हमारे पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर। वैसे री इशू ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं, अगर हम शेयर इशू की बात कर रहे हैं, री इशू की नहीं, शेयर इशू, तो उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं दिया जाता एज पर सेक्शन 53। जब शेयर इशू करते हैं, नॉर्मल इशू करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं होता है सेक्शन 53। लेकिन हमने फॉरफिट कर लिए, उनको री इशू कर रहे हैं, तो उसको डिस्काउंट पर किया जा सकता है। और मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना है, मैक्सिमम डिस्काउंट होगा जो आपने क्या किया है गाइस, सुनना, मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा, जो आपने एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, जो आपने पैसा कलेक्ट किया है, फेस वैल्यू जो आपने कलेक्ट किया है वो मैक्सिमम। मान लीजिए आपने 10 रुपए का शेयर इशू किया था, आपके पास 8 रुपए आ गए, 8 रुपए फेस वैल्यू ओरिजिनल अमाउंट आ गए थे, 2 नहीं आया, आपने फॉरफिट कर लिया, आपके पास आया कितना है 8, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप 8 दे सकते हो। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए गाइस। अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से उन सब के बारे में जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, लाइक हम शेयर कैपिटल को कैसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं, शेयर की इशू करते हैं कैश में, अदर देन कैश, फॉरफिचर, री इशू, उन सब से रिलेटेड गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप उन लिंक पर जाना, एक एक चीज बहुत अच्छे से करवाई गई है गाइस, उनको मिस मत करना, बहुत अच्छे से करना, हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ये मेरी आपसे श्योरिटी है गाइस, क्लियर है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा गाइस, आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसी लगी गाइस। बाकी सब के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर वीडियोस। Thank you so much for watching this video.